हेलो दोस्तों, मैं विक्रम। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है VW भेंटो का 1.6। इसका ऑन टेबल में सिर्फ मीटर लगा हुआ है, कैन बॉक्स में इसमें, और चाबी लगा हुआ है। ठीक है, हमने अगर इग्निशन ऑफ कर दिया, ऑफ, चाबी को घुसाया अंदर, इग्निशन ऑन, गाड़ी का जो किलोमीटर चला हुआ है वो आ रहा है। चाबी इग्निशन ऑफ करके चाबी को बाहर निकल के इग्निशन ऑन, सेफ सेफ लिख के आ रहा है। ठीक है, हमने फिर से दोबारा चाबी को अंदर डाला, डाल के इग्निशन को ऑफ करके फिर से ऑन किया दोबारा। अभी देखिए सेव लिख के नहीं आ रहा है। इसका विदाउट ECU, बिना ECM लगाए हम ईमो डेटा रीड करने की कोशिश करेंगे एक सोर्स की मदद से। ईमो में जाएंगे, यहाँ पे यूरोप VW, यहाँ पे सिलेक्ट बाय टाइप किलान, यहाँ पे जाएंगे फोर्थ जनरेशन ईमो सिस्टम। ये भेंटो का हम लोग को पता है 24 ही बत्ती है, यानी सी 24 ही 32 में जाएंगे। स्टार आए, यहाँ पे एडिट इंस्ट्रूमेंट इंफॉर्मेशन, देखिए पार्ट नंबर उठा लिया, इसका भिन नंबर। ठीक है, रीड इप्रोम डेटा, रीड इमो डेटा, हम लोग रीड इमो डेटा करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड है, हम लॉगिन मेथड 2 यूज कर रहे हैं। देखिए बहुत ही जल्द, 2-3 सेकंड के अंदर, 2-3 सेकंड के अंदर गाड़ी का वेन नंबर, इसका CS कोड, इसका पिन कोड। ठीक है, यहाँ पे 3 तो चाबी रजिस्टर्ड है, पूरा सब डिटेल्स निकाल दिया। ओके, यहाँ पे बोल रहा है रीड डेटा सक्सेसफुली, वेदर टू सेव डेटा, ओके दबाएंगे तो सेव होगा, मेरे को सेव करने कोई ज़रूरत नहीं, कैंसिल दबा देंगे। यहाँ पे डीलर की बना सकते हैं, और डेटा से डीलर की बना के लान की कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग KM भी रिसेट कर सकते हैं, जैसे अभी 65321 है, इसको यहाँ पे KM रिपेयर में जाएंगे। यहाँ पे बोल रहा है ईप्रोम डेटा पहले बैकअप लेने के लिए बोलेगा, सॉरी, हाँ ईप्रोम डेटा बैकअप लिए बोल रहा है। यस, ईप्रोम डेटा बैकअप किया हुआ है इसका, जैसे 65,000 है, 65,330 करा, ओके कब है, देखिए यहाँ पे 65,321 है, देखिए 331 हो गया, बहुत ही फास्ट। थैंक यू।